महिंद्रा थार, ये ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में हम जानते हो कि जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है और आपको बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है, और हर एक बंदा इस गाड़ी को सलाम ठोकता है जब वो इस गाड़ी को रोड पे देखता है। और 2020 वाली थार लॉन्च हो चुकी है जो कि मैं मानता हूँ कि महिंद्रा की बेस्ट गाड़ी जो कि पिछले 5 सालों में आई है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आज तक मैंने भी नहीं सुने थे गाड़ियों में। और इस गाड़ी में आपको 10-12 लाख के दाम में आपको 70 लाख की जीप रैंगलर वाला मज़ा मिलता है, तो क्या बुराई है इस गाड़ी को लेने में। तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू कार वॉश। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 2020 वाली महिंद्रा थार के बारे में और क्यों इतनी शानदार गाड़ी जो कि आपको इंडिया में मिलती है। तो जो पहली बात है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही शानदार बनाता है, वो इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी या फिर इस गाड़ी के फीचर्स। और कुछ कुछ इस गाड़ी में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि मैंने भी नहीं सुने थे आज तक, तो बहुत ही बढ़िया बात है। इस गाड़ी में आपको इसका पूरा ही इंटीरियर आपको वाटरप्रूफ मिलता है, जिसमें आपको आईपी रेटिंग मिलती है अपने फ़ोन की तरह, तो बहुत ही अलग सी बात है। तो अगर आप इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के बाद बहुत गंदे होकर बैठते हैं मिट्टी वाले होके, और अगर आप इस गाड़ी के पूरा अंदर से एकदम गंदा कर देते हैं, गोबर से भर देते हैं, तो बस आप क्या कीजिए कि अपने घर की पाइप लीजिए और इस गाड़ी में पानी लगा के छोड़ दीजिए और इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर साफ हो जाएगा और इसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें आपको इसकी छत में आपको स्पीकर्स मिलते हैं जो कि माउंटेड, और इसमें आपको आईपी रेटिंग मिलती है जिससे आप एकदम बरसात होते हुए भी चला सकते हैं अपनी छत खोल के। तो अगर आपको बरसात में भी गाने सुनने और बाकी अगर आपको मजे लेने, आप ले सकते हैं इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें आपको पहले से आपको काफ़ी नया आपको 7 इंची का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जैसे कि पहले वाला तो बहुत ही बाबा दम के ज़माने का था, तो पहले से बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। और इस गाड़ी में आपको ऑफ रोडिंग डेटा मिलता है इसके टच स्क्रीन डिस्प्ले में, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने एंगल पर चला रहे इस गाड़ी को, इसके नीचे कितना पानी और बाकी इस गाड़ी के ऊपर कितना एंगल है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस गाड़ी में आपको एक और बढ़िया फीचर मिलता है, जिसमें अगर आपको इस गाड़ी की बॉडी से अगर आपको इसके जो साइड के दरवाजे अगर आपको हटाना है या फिर डिटैच करना, आप कर सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर, जो कि बहुत ही तगड़ी बात है। तो अगर आपको एकदम हवा वाली फीलिंग लेनी है इस गाड़ी में, आप ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। और जिस गाड़ी के दरवाजे की सारी वायरिंग आपको कपलर से अटैच मिलती है, जो कि काफ़ी आसान बनाती है इस गाड़ी के दरवाजे को हटाने में, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। उसके बाद जो अगली बात है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही शानदार बनाता है, वो है इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। और इस गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपने शायद किसी और गाड़ी में सुने हो या फिर आपने देखी भी हो, और आपको 70 लाख की गाड़ियों में मिलते हैं ऐसे ऐसे फीचर्स जो कि इस गाड़ी में आपको 10-12-15 लाख के दाम में मिल रही है। इसमें आपको मैकेनिकल आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, जिसमें इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, 4 हाई वाले और 4 लो वाले, जिससे इस गाड़ी में आप इसके टॉर्क के साथ खेल के आप बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा इस गाड़ी में करने में। इसमें आपको फ्रंट एक्सल में आपको लॉकिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आप इसके इंजन की सारी ताकत इसके पीछे वाले एक्सल में भेज सकते हैं, जिससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़िया होती है और बाकी इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग स्टेबिलिटी बढ़िया होती है। इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया आपको 650 मिलीमीटर्स की आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। तो अगर आपको इस गाड़ी को नदियों में, झीलों में, नहरों में लेके जाना, आप लेके जा सकते हैं। और बाकी अगर आपको अपनी थार से बहुत ही प्यार है और अगर आपको अपनी थार को अपने साथ नहलाना है अपने स्विमिंग पूल में, आप नहला सकते हैं। इसमें आपको 230 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो अगर आपको इस गाड़ी को ऊंचे इलाकों में लेके जाना, आप लेके जा सकते हैं और इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। और बाकी इस गाड़ी में आपको जो सामने वाला बम्पर है और आपको पीछे वाला बम्पर है, आपको वेल्डेड मिलता है इस गाड़ी की बॉडी से, जिससे अगर आपको इस गाड़ी के बम्पर में बैठना है और अगर आपको #thar life का इंस्टाग्राम पोस्ट डालने, आप डाल सकते हैं, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। और बाकी जैसे कि मैंने इस गाड़ी में आपको बताया, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया दरवाजे मिलते हैं जो कि आपको डिटैचेबल मिलते हैं इस गाड़ी की बॉडी से, जिससे अगर आपको इस गाड़ी के दरवाजों को हटाना है और अगर आपको और ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी से मिट्टी बहुत आने वाली है इसके बाद। इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया आपको ऑफ रोड एक मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको जो सामने वाला 7 इंची का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है इस गाड़ी के डैशबोर्ड में, उसमें आपको बहुत ही सारे फीचर्स मिलते हैं, इसके डेटा मिलता है आपकी ऑफ रोडिंग का, जिससे आप इस गाड़ी में देख सकते हैं आप कितने टेम्परेचर पर जा रहे हैं, कितने हाइट पर जा रहे हैं, कितने एंगल पर जा रहे हैं, कितने पानी आपके नीचे, कितना गोबर है आपके नीचे, और इससे आपको बहुत ही सहूलियत होने वाली है आपकी ऑफ रोडिंग में। तो अगर आप काफ़ी यंग से बॉय, अगर आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी मज़ा आता है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट आने वाली है इस वाले दाम में। और मैं मानता हूँ कि लौती ऐसी भी गाड़ियों में से एक है इंडिया में, जो कि इंडिया में बनती है, इंडिया में बिकती है, जिसमें आपको इतनी प्रॉपर ऑफ रोडिंग सिस्टम मिलता है। क्योंकि आपको इंडिया में आजकल काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ मिलती है जो कि कहती तो है अपने आपको तो अल्टीमेट SUV, लेकिन उनमें आपको 1 रुपये का भी ऑफ रोडिंग सिस्टम नहीं मिलता या फिर आपको 1 रुपये की भी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए अगर आपको असली ऐसी गाड़ी लेनी है इंडिया में, तो महिंद्रा थार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद अगर आप आते हैं इस गाड़ी के लुक्स में, जो कि आपको बहुत ही आइकॉनिक मिलती है, जो कि काफ़ी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है न्यू स्कूल का और बाकी ओल्ड स्कूल का, और ऐसी बहुत ही आपको कमी गाड़ियाँ मिलती है इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में, जैसे कि मर्सिडीज जी वैगन की तरह या फिर जीप रैंगलर की तरह, जिसमें आपको इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलता है दोनों स्पेक्ट्रम्स का। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में आपको 7 स्लॉट वाली ग्रिल मिलती है जीप की या फिर महिंद्रा की, जो कि काफ़ी सही लगती है, जिसमें आपको ऊपर लिखा हुआ मिलता है महिंद्रा। और बाकी फ्रंट में इस गाड़ी में आपको काफ़ी आपको बेसिक सी लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको पूरा ही बल्ब वाला सिस्टम मिलता है, और बाकी काफ़ी गोल सी लाइट्स है, जो कि मैं मानता हूँ कि कुछ ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि 2021 में बिकी गई गाड़ी, तो इसमें आपको थोड़ी बढ़िया लाइट्स मिलनी चाहिए थी। इसमें आपको सामने वाला बम्पर आपको काफ़ी एक्सटेंडेड मिलता है सामने, तो अगर आपको उसके ऊपर बैठना है या फिर खड़े होना है, और बाकी #MahindraTharLife वाले इंस्टाग्राम पोस्ट डालने या फिर स्नैपचैट पर डालना, आप डाल सकते हैं और आपको बहुत ही सारे लाइक आने वाले हैं।
साइड में इस गाड़ी में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी तगड़े लिखने वाले हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बेस्ट लुकिंग अलॉय व्हील्स है जो कि आपको इस वाले दाम में मिलते हैं। और साइड में इस गाड़ी में आपको पूरी आपको बॉक्सी लुक्स मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको स्ट्रेट आपको विंडो आर्चेस, स्ट्रेट इसके आपको व्हील आर्चेस, स्ट्रेट आपको इसके सारे दरवाजे वगैरह मिलते हैं, तो बहुत ही इसमें आपको डब्बे वाली लुक्स मिलती है। पीछे इस गाड़ी में आपको कुछ ज़्यादा ही आपको डब्बे वाली लुक्स मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको एकदम आपको स्क्वायर वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलता था जो कि दिखाता है कि आप थार में बैठे, आप किसी और ऐसी गाड़ी में नहीं बैठे। इसमें आपको पीछे आपको इसके दरवाजे पर आपको स्टेपनी मिलती है, जो कि आप काफ़ी एकदम विलुप्त सा फीचर है जो कि आपको इंडिया में काफ़ी कमी गाड़ियों में मिलता है। और जो पीछे वाला बम्पर है उसमें आपको फुट स्टेप मिलता है, तो अगर आपको इस गाड़ी के अंदर चढ़ना आप चढ़ सकते हैं। इस गाड़ी में आपको दो डिफरेंट आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, इसमें आपको एक कैनबी वाला मॉड्यूल मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको छत कोई नहीं मिलती, आपको एक कपड़े की छत मिलती है, और बाकी आपको एक रोल बार मिलता है जिससे इस गाड़ी में सेफ्टी बनी होती है। और बाकी इस गाड़ी में आपको फिक्स्ड रूफ टॉप वाला वर्जन मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको छत आपको स्टील की मिलती है और वो डिटैचेबल नहीं मिलती। लेकिन मुझे तो पर्सनली जो इसका फिक्स्ड रूफ वाला वर्जन है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बरसात आ जाए और बाकी इसकी कैनबी में अगर पानी भर जाए तो नीचे आ सकती है, जो कि मुझे थोड़ा डर लगता है, भले ऐसा हो ना लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा फोबिया सा है। तो इस गाड़ी में हमको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है ओल्ड स्कूल का और बाकी न्यू टाइप का। तो अगर आपको बहुत ही चौड़ सी अपनी गाड़ी में, अपने मोहल्ले में और बाकी अपने पूरे शहर में, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। फिर जो चौथी बात है या फिर अगली बात है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही अलग सा बनाता है या फिर बहुत ही खास बनाता है, वो है इस गाड़ी की पावर, जो कि आपको बहुत ही तगड़ी मिलती है। और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था पर्सनली महिंद्रा से इतनी बढ़िया पावर का, लेकिन उन्होंने दिया है तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देख लिया मैंने तालियां बजाई है। डीजल में इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 130 हॉर्स पावर मिलती है जो कि काफ़ी सही है। और पेट्रोल में इस गाड़ी में आपको रियल जलवा मिलता है, जिसमें आपको मिलता है 2.0 लीटर का M40 इंजन, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है और आपको 320 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है इस गाड़ी को भगाने में और बाकी इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग करने में। तो अगर आपको इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग नहीं भी करनी है, अगर आपको इस गाड़ी को भगाना भी है रोड पे, तो आप भगा सकते हैं, क्योंकि जो पावर है इस गाड़ी में आपको बहुत ही तगड़ी मिलती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की ऑप्शन मिलेंगे, और बाकी जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है इसके हायर वाले वेरिएंट में, इसके LX वाले आपको वेरिएंट में मिलते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि AX वाले वेरिएंट में तो लोग खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि वो डाई हार्ड फैंस है मैनुअल के। और फिर जो लास्ट बात है इस गाड़ी के बारे में, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही शानदार बनाता है पहले से, वो है इस गाड़ी का इंटीरियर। और जैसे कि आपको 2016, 2015, 2018 वाली थार में आपको एकदम बकवास इंटीरियर मिलता था, जिसमें आपको ना तो बढ़िया स्पेस मिलती थी, आपको ना तो बढ़िया क्वालिटी मिलती थी, जो कि एकदम ट्रक वाला था, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको पहले से बढ़िया मिलता है, जिसमें आपको स्पेस भी बढ़िया मिलती है, आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है। इसमें आपको प्लास्टिक का प्लस आपको क्लॉथ के और बाकी आपको लेदर की कॉम्बिनेशन का इंटीरियर मिलता है, जिसमें आपको बढ़िया स्पेस मिलती है। और तो सीट्स आपको पहले से कंफर्टेबल मिलती है, और पहले तो एकदम ऐसे आपको प्लास्टिक की मिलती थी। और अब इस गाड़ी में आपको दो डिफरेंट सीटिंग फॉर्मेट्स मिलते हैं, जिसमें इस गाड़ी में आपको एक्स वाले वेरिएंट में आपको 2+4 वाला फॉर्मेट मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको दो साइडवर्ड फेसिंग आपको बेंच सीट्स मिलती है, जिसमें आपको ना तो बढ़िया स्पेस मिलती है, आपको ना तो बढ़िया कंफर्ट मिलता है, और आपको ना तो बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है। तो अगर आपको अपना पिछवाड़ा नहीं सजवाना है तो आप वो वाला इंटीरियर मत लीजिएगा, आपको बहुत ही बकवास लगने वाला है। और इसमें आपको LX वाले वेरिएंट में मिलता है 2+2 वाला फॉर्मेट, जिसमें इस गाड़ी में आपको पीछे आपको दो फ्रंट वर्ड फेसिंग सीट्स मिलती है, जिसमें आपको बढ़िया स्पेस मिलती है, आपको बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है। लेकिन इस वाले सीटिंग फॉर्मेट में भी आपको एक कमी मिलती है, और वो ये है कि अगर आपको इस गाड़ी की पीछे वाली सीट में जाना है, तो आपको सामने वाली सीट को पहले फोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पुश करना पड़ेगा सामने, जो कि काफ़ी मशक्कत वाला काम है, जो कि मैं तो पसंद नहीं करता। तो अगर आप थोड़े आलसी किस्म के इंसान हैं तो आपको पसंद नहीं आने वाला। इसमें आपको डैशबोर्ड आपको पहले से काफ़ी बढ़िया मिलता है, जिसमें आपको बढ़िया क्वालिटी मिलती है, आपको बढ़िया टेक्सचर मिलता है, जिसमें आपको मजा आएंगे हाथ लगाने में। और इस गाड़ी में आपको एक और बढ़िया फीचर मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें आपको स्क्रीन मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रंगों में दिखने वाली है, जो कि आपको बढ़िया फीलिंग देगी। इस गाड़ी में इसके डैशबोर्ड में आपको एक प्लैक सा मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको इसका सीरियल नंबर, इसका चासी नंबर, इसका इंजन नंबर आपको मिलने वाला है, सिवाय इसके बिल के, जिससे इस गाड़ी में आपको सेंस ऑफ प्राइड होगी इस गाड़ी को ओन करने में। और बाकी यही था इस गाड़ी के बारे में, जो कि इस गाड़ी को बेस्ट गाड़ी बनाता है। अगर आप इस गाड़ी का प्राइस देखें तो वो तो अभी ऑफिशियली महिंद्रा ने नहीं लॉन्च करा है, लेकिन जो प्राइस है मैं कहता हूँ कि 10 से लेकर 15 लाख के आसपास का होने वाला है, जो कि मैं मानता हूँ कि बढ़िया प्राइस है, क्योंकि आपको 15 लाख के दाम में इंडिया में आपको क्या मिलता है? आपको ह्यूंडई क्रेटा मिलती है, जो कि कहने को तो अल्टीमेट SUV है, लेकिन उसमें आपको एक भी फीचर नहीं मिलता इस गाड़ी के सामने, जो कि इस गाड़ी को अल्टीमेट बनाए। तो बाकी फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको 2020 वाली महिंद्रा थार एक बढ़िया गाड़ी लग रही है, और क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे इंडिया में 10-12-15 लाख के दाम में। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी आपके सामने सारे बटन आ रहे होंगे आप दबा दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो देखनी है इंडिया की, इंटरनेशनल, आप कोई भी और पूरे जहाँ की गाड़ी पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएगा। और थैंक यू आप सबको वीडियो देखने के लिए।